Assalamu alaikum, good morning student, how are you all? Okay, fine. आज हम क्लास वन हिंदी में लेसन एट चूहो म्याऊ सो रही है कविता का अभ्यास करते हैं। बच्चों ये पोयम में ये जो म्याऊ म्याऊ यानी जिसको हम बिल्ली कहते हैं, बच्चों जब हम छोटे होते हैं तो हम बिल्ली को क्या कहते हैं? म्याऊ। तो चूहों को कहा गया है कि ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली मौसी है, वो बिल्ली मौसी सो रही है। तो आपको जो करना है, जैसे करना है, आप कर सकते हो, वह बात यह कविता में बताई गई है। बच्चों सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं, आपको भी मेरे साथ रीड करना है। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से घर 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 हो रही है चूहो म्याऊ सो रही है। घर के पीछे यानी घर के पीछे वाले हिस्से में, पीछे वाला जो हिस्सा होता है, पीछे का जो भाग होता है, तो घर के पीछे वाले भाग में और छत के नीचे, घर का जो छत होता है वो छत के नीचे पांव पसारे, पांव यानी उनके जो पैर होते हैं वो पैर, पसारे यानी फैलाकर, पांव को फैलाकर पूंछ सवारे, अपनी जो पूंछ होती है वो पूंछ को सवार कर देखो कोई, कहा जाता है कि कोई देखो मौसी सोई, मौसी यानी बिल्ली मौसी के बारे में कहा गया कि देखो बिल्ली मौसी सो रही है। तो उनकी नासों में से और उनकी सांसों में से जो आवाज़ आ रही है वो घर घर की आवाज़ आ रही है। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि जो बिल्ली मौसी है वो बिल्ली मौसी सो रही है। तो चूहों को कहा गया है कि चूहो ये जो म्याऊ है, ये जो बिल्ली मौसी है, वो बिल्ली मौसी सोई हुई है। जैसे मैं आपको यहाँ पिक्चर में बता रही हूँ, देखो बच्चों यहाँ ये जो बिल्ली मौसी है वो बिल्ली मौसी बहुत आराम से सोई हुई है। ये जो घर है वो घर का जो पीछे वाला हिस्सा है और ये जो छत दिखाई देती है घर की, वो छत के नीचे, आपको नेक्स्ट में फिर से दिखाऊंगी ये पिक्चर। तो ये जो बिल्ली मौसी है वो बिल्ली मौसी अपने पाँव को फैलाए हुए और अपनी पूँछ को क्या कर रही है, दोनों पैरों के बीच में उसने रखा हुआ है और वो बहुत आराम से सोई हुई है और उनकी नाक में से वो जो सांस ले रही है उसकी घरघर भी घरघर की आवाज़ आ रही है। इसीलिए चूहों को कहा गया है कि चूहो बिल्ली मौसी सोई हुई है। बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले। जैसे ही चूहों को कहा जाता है कि बिल्ली मौसी सोई हुई है, तुरंत ही रसोई खुली हो जाती है। बच्चों यहाँ मैं पिक्चर में दिखाई देता है, रसोई यानी जो खाना बनाया हुआ होता है ना, मम्मी हमारे लिए जो खाना बनाती है, तो वो खाने का जो है, अपनी जो रसोई है, खाना खुल जाता है। और ये जो पतीले हैं, बड़े पतीले चने रसीले, ये जो पतीले भरे हुए हैं, किससे भरे हुए हैं? चने, रसदार चने, रसीले चने बनाए हुए हैं और इससे ये पतीले भरे हुए हैं। तो ये जो बिल्ली मौसी सोई है, इसकी वजह से चूहों ने ये जो रसोई है वो रसोई खुली कर दी है। उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है चूहो म्याऊ सो रही है। क्या कहा जाता है? उल्टो मटका, मटके को उल्टा करना है। बच्चों हमें यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है, ये जो मटका है वो मटके को उल्टा करना है, लेकिन चूहे तो छोटे हैं तो इसीलिए वो मटके को कैसे उल्टा करेंगे? देकर झटका, ये मटके को झटका देकर उल्टा करना है। जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आपको मटके में जो कुछ भी दिखाई देता है या मटके में से आपको जो कुछ भी मिलता है उसको चट कर जाना है।
चट कर जाना यानी खा जाना है। तो आपको ये जो मटका है वो मटके को झटका देकर उल्टा कर देना है और मटके में जो भी चीज़ रखी हुई है वो सारी चीज़ आपको खा लेनी है। आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। चूहों का आज का जो दिन है वो दूध दही है, यानी बहुत अच्छा दिन है। आज ये चूहों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि ये जो बिल्ली मौसी है वो बिल्ली मौसी सोई हुई है। मुझ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुटरो। आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही। क्या कहते हैं? मुझ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, मुझको मरोड़ना है, उसका मीनिंग होता है बच्चों हिम्मत रखना है। चूहों को कहा जाता है आपको हिम्मत रखनी है, मुझ मरोड़ना है, पूछ को सिकोड़ना है, यानी आपको सावधान रहना है, सावचेत रहना है, अपनी पूछ को सिकोड़ कर रखना है। और इस तरह आप जो ऊपर हो वो ऊपर से नीचे आ जाओ और जितनी भी चीज़ें रखी हुई है वो सारी चीज़ों को आप कुटर सकते हो, क्योंकि आज हमारा राज हमारा, आज हमारा है और आज हमारा ही राज चलने वाला है। करो तबाही जो मन चाहे, आज आपको तबाही करनी है, आपको मन में मन चाहिए यानी आपको जैसे ही अच्छा लगता है इसी तरह आपको तबाही करनी है। बच्चों यहाँ तबाही का मीनिंग होता है आपको जो भी चीज़ खानी है, आपकी मनपसंद चीज़ आप खा सकते हो और आपको जितना भी खाना है वो आप खा सकते हो। आज मची है चूहा शाही, आज क्या मची है? चूहा शाही मची हुई है, यानी आज चूहों का राज है, इसीलिए आज चूहों का ही राज चलने वाला है। डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊं सो रही है। आज चूहों को कुछ भी डर नहीं है, कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि ये जो बिल्ली मौसी है वो बिल्ली मौसी सोई हुई है। तो बच्चों ये पोयम में ये चूहों को अपनी मनमानी करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये जो बिल्ली मौसी है वो बिल्ली मौसी बहुत ही आराम से सोई हुई है, इसीलिए चूहे अपना मन चाहा काम कर सकते हैं, जितना खाना है वो खाना खा सकते हैं, वो बात यह पोयम में बताई गई है। अब बच्चों हम आगे इसका अभ्यास करते हैं। घर के पीछे छत के नीचे, पांव पसारे पूछ सवारे। बच्चों यहाँ मैं पिक्चर दिया है और पिक्चर से बताया, देखो घर के पीछे वाले हिस्से में है और छत के नीचे वाले भाग में है। पांव पसारे पूछ सवारे, अपने पांव को फैलाकर और पूछ को सवार कर, यानी यहाँ हमें ये जो राइमिंग वर्ड होते हैं, टुकबंदी वाले शब्द होते हैं, वो शब्द भी दिए हैं। देखो पीछे नीचे, पसारे सवारे, फिर नेक्स्ट है भरे पतीले चने रसीले। यहाँ हमें पतीला भरा हुआ दिखाई देता है जिसमें चना रसीला चना रखा हुआ है। उल्टा मटका देकर झटका, मटके को झटका देकर उल्टा किया गया है। मुझ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, मुझको मरोड़ना है और पूछ को सिकोड़ना है। नीचे उतरो चीजें कुटरो, आपको नीचे उतरना है और जो भी चीज़ आपको मिलती है उनको कुटरना है। तो बच्चों यहाँ हमें टुकबंदी वाले शब्द दिए गए हैं, आप जिसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहते हो उसको हिंदी में टुकबंदी या समान लय वाले शब्द कहे जाते हैं, जैसे यहाँ पतीले रसीले, मटका झटका, मरोड़ो सिकोड़ो, उतरो कुटरो। तो जब हम शब्द बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है वो एक जैसा ही होता है, इसीलिए उसको समान लय वाले शब्द या टुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। अब चूहा कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताया गया है कि चलो चूहा बनाए। सबसे पहले हमें तीन लिखना है, क्या करना है? तीन लिखेंगे और तीन लिखने के बाद उसके मूंछ और कान हम बनाएंगे।
फिर उसके बाद उसके अंदर हम आँख बनाएंगे और उसके जो पैर है वो पैर भी हम बनाएंगे जैसे यहाँ हमें पिक्चर में दिखाई देता है। फिर लास्ट में उसकी ये जो पूँछ है लंबी वाली पूँछ, वो पूँछ को हम बनाएंगे। तो इस तरह ये चूहा तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आपको भी इसी तरह चूहा बनाना है। टुक मिलाओ आगे बढ़ाओ, जैसे मैंने अभी आपको समान लय वाले या टुक बंडी वाले शब्द बताए, जैसे पटीले, रसीले, मटका, झटका, मरोड़ो, सिकोड़ो, इसी तरह हमें यहाँ ये जो टुक बंडी वाले शब्द है वो टुक बंडी वाले शब्द को लिखना है। बच्चों हमें यहाँ यह जो पिक्चर दिया गया है बच्चों, यह पिक्चर बिहार की मधु शैली में बना हुआ है और ये पिक्चर में हमें एक सांप जैसा दिखाई देता है और इसमें हमें शब्द को लिखना है और आगे बढ़ना है। सबसे पहला लिखा है सोई और हमें दिया है खोई। फिर है पतीले, तो जैसे हमने पढ़ा बड़े पतीले चने रसीले, तो क्या आएगा बच्चों, रसीले। तो हम यहाँ लिखेंगे रसीले, पतीले रसीले। फिर नेक्स्ट है मटका, तो जैसे हमने पढ़ा उल्टा मटका देकर झटका, तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे, झटका, मटका झटका। फिर लिखा है पसारे, तो पाँव पसारे पूँछ सवारे, तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे, सवारे। फिर नेक्स्ट है मूछ मरोड़ो पूँछ सिकोड़ो, यहाँ हमें मरोड़ो दिया है तो उसका टुक बंदी वाला शब्द कौन सा आएगा बच्चों, सिकोड़ो, क्या लिखेंगे हम, सिकोड़ो। और लास्ट में दिया है उतरो, तो नीचे उतरो चीजे कुटरो, तो उतरो का क्या आएगा बच्चों, कुटरो। तो इसी तरह हमें टुक बंदी वाले शब्द लिखना है। आई होप आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।